कोरोना वायरस की तबाही के बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस ने भी अपना कहर बरपाया। कोरोना महामारी का कहर अभी थमा भी नहीं कि अब एक और संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अब मरीजों में एवास्क्युलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिले हैं। एवास्क्युलर नेक्रोसिस में हड्डियां गलने लगती हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवास्क्युलर नेक्रोसिस के 3 मरीज मिले हैं, जिससे डॉक्टर चिंता में आ गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में एवास्क्युलर नेक्रोसिस के मामले और बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और एवास्क्युलर नेक्रोसिस के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। बता दें कि कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए कई मामलों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का एवास्क्युलर नेक्रोसिस का इलाज किया गया। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ये मरीज एवास्क्युलर नेक्रोसिस से पीड़ित हुए। माहिम स्थित हिंदुजा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, इनको फीमर बोन यानी जांग की हड्डी में दर्द हुआ। तीनों मरीज डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें लक्षण पहचानने में आसानी हुई और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गए। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।